अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से। बात करेंगे ओमान में कोरोना केसेस के बारे में, इसके अलावा ड्राइविंग के बारे में। और आज 29 मार्च है, सोमवार का दिन है। मस्कत में एक अपार्टमेंट के अंदर आग लगने से एक बंदे की वफ़ात हो गई, एक बंदा जो है शदीद ज़ख्मी है। दुआ करें अल्लाह ताला ज़ख्मी को जल्द शिफाए कामला अता फरमाए। जो वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आप सब दोस्त अहबाब से भी रिक्वेस्ट है कि हमेशा सेफ्टी का जो है ख़ास ख्याल रखें, फ्लैट के अंदर, घर के अंदर। इसके अलावा क्या ओमान में पिछले 24 घंटों में 796 कोरोना के केस रिपोर्ट हुए और एक वफ़ात हुई। ओमान में टोटल केसेस की तादाद जो है 156,883 हो चुकी है। सेहतियाब होने वाले की कुल तादाद 142,944 है, जबकि वफात पर होने वाले की कुल तादाद 1,662 है। हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, 505 मरीज अभी तक हॉस्पिटल में है, 161 जो है ICU में है। सबकी सेहतियाबी के लिए दुआ करें। और ड्राइविंग के हवाले से क्या, अगर रॉन्ग वे ड्राइव करेंगे यानी जो आने वाला रास्ता है वहाँ पर आप जाना शुरू कर देंगे, उल्टी ड्राइविंग करेंगे, सीट के ऊपर उल्टे बैठ के नहीं वैसे उल्टी ड्राइविंग करेंगे, उल्टी सिमत में जाएंगे, तो उसके ऊपर भी जेल और जुर्मानों की सजा का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा आपको पता है कि जब से कोरोना पैंडमिक हुई तब से जो है ओमान के अंदर तो खासकर बहुत ही डेवलपमेंट हुई। UAE में जो है इतना नहीं है, दीगर कंट्रीज़ में इतना नहीं है, लेकिन ओमान में जो है ना सिस्टम काफ़ी स्ट्रिक्ट किया हुआ है, सख्त किया हुआ है, स्पेशली खारजियों के ऊपर। आए दिन नए जो है जुर्माने लगाए जा रहे हैं, नए नए जो है वोलेशन करने पर जो है मजीद जेल और जुर्मानों में इजाफा किया जा रहा है। तो कोशिश करें कि रूल्स को फॉलो करें, अपना ख्याल रखें और दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला जल्द इस वबा को ख़त्म करे, ताकि हालात जो हैं जो इसको लेकर जो हालात ख़राब किए जा रहे हैं वो बेहतर हों और हम सब आप सब जो है खुशहाल रहना शुरू करें। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।